नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला पे आपका वेलकम करता हूँ। अब हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अपन ने क्या पढ़ा, क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में, यूप्लोइडी, एनप्लोइडी, ऑटोप्लोइडी, पॉलीप्लोइडी, ये सब अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में, ये सब अपन ने देख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको साथ साथ पढ़ते जा रहे होंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, उसका जन्म कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, ये सब देखेंगे, और मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, कौन कौन सा करेक्टर को लिया, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं। तो आज अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल का जो जन्म है, मेंडल बोर्न कब हुआ, मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को कहां पे, ऑस्ट्रिया में मेंडल का जन्म हुआ। ठीक है, इनकी डेथ देख लेते हैं, डेथ कब हुई, डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884 में। कितने साल जिए ये 62 वर्ष, कितने साल इनकी उम्र है, 62 वर्ष, 62 साल के वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है मेंडल का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, इनसे कभी कभी अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था, इनने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर, किस पे किया था, गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n14। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम वैरायटी होर्टेंस, वैरायटी होर्टेंस। ठीक है, इसको टेबल पी भी बोलते हैं, टेबल पी गार्डन पी बोलते हैं या फिर टेबल पी बोलते हैं। ठीक है, मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब तक किया एक्सपेरिमेंट, 1857 से लेकर 1864 तक, कितने साल, 7 वर्ष, 1857 से 1864 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कितने, 7 वर्ष तक, ये भी आपको याद रखना है। 7 वर्ष तक मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया, ये आपको याद रखना है। अब क्या कारण रहे कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो कारण देख लेते हैं, रीजन क्या कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। एक तो पहला कारण है कि कॉमर्शियली अवेलेबल थी मटर जो है, कॉमर्शियली अवेलेबल थी। दूसरा, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप थी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा कारण क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप थी। ठीक है, तीसरा क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन थी जिससे मेनी जनरेशन ली जा सकती इन ए ईयर, एक साल में कई सारी जनरेशन को लिया जा सकता, इसलिए उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन थी, इसलिए इसका एक ये भी कारण है। ठीक है, दूसरा कारण है लार्ज सीड, इसके सीड जो है बड़े थे, लार्ज सीड थे। ये चार मेन कारण है जिसके कारण मेंडल ने मटर का पौधे का चुना, इजीली अवेलेबल थी, कॉमर्शियल अवेलेबल थी, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप थी, शॉर्ट ड्यूरेशन थी और लार्ज सीड थी। शॉर्ट ड्यूरेशन इसलिए काम आया कि एक साल में कई जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, ये सब हो गया भाई साहब। अब मेंडल कौन थे, मेंडल के बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूं, मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, मेंडल एक चर्च में पादरी थे, तो वो वहां पे बच्चों को पढ़ाते थे, तो यानी कि एक टीचर थे मेंडल, तो मेंडल ने ये सारा काम मटर के पौधे में किया, 7 साल तक अध्ययन किया। उसके बाद में एक मीटिंग हुई साइंटिस्टों की, वहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, तो मेंडल ने अपनी बात को वहां रखा, तो साइंटिस्टों को लगा, मन में विचार आया कि अगर मेंडल ने इतना काम कर दिया तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे अपने बारे में कि साइंटिस्ट होके कुछ नहीं कर पाए, एक साधारण आदमी ने ये काम कर दिया। तो उन्होंने मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट था उसको नेगेटिव बोल दिया, उसको सही नहीं बताया और उसको पब्लिश करने से इनकार कर दिया, मतलब उसको मना ही कर दिया कि तुमने जो ये रिसर्च की है ये अच्छी नहीं है, तुम और रिसर्च करो,
और पावर प्लांट पे रिसर्च करो, उसके बाद में तुम देखेंगे, ऐसा करके मेंडल को गुमराह कर दिया। ठीक है, तो वहां पे बात नहीं बनी। फिर मेंडल ने क्या किया, 1866 में, 1866 में मेंडल ने एक पेपर पब्लिश करवाया, क्या नाम था पेपर का पब्लिश कराया, पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये मेंडल ने एक पेपर पब्लिश करवाया, एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, कब, 1866 में, इसमें अपनी रिसर्च को इसने पब्लिश करवाया। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन मेंडल के सात करैक्टर के बारे में देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से करैक्टर पर अध्ययन किया, सेवन करैक्टर को लिया, कौन कौन से करैक्टर है वो अपन देखेंगे, आप इतना नोट डाउन कीजिए फिलहाल। वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं, मेंडल ने सात करैक्टर पे अध्ययन किया, वो करैक्टर कौन कौन से हैं, जो मेंडल ने सात करैक्टर लिए वो करैक्टर कौन कौन से हैं उनको अपन देखते हैं, अब इसको नोट डाउन कर लेना। अब मेंडल के सात करैक्टर के बारे में अपन देखेंगे, सेवन करैक्टर, कौन कौन से करैक्टर लिए, कौन कौन से उसमें से डोमिनेंट थे और कौन कौन से उसमें से रेसेसिव थे। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो अपना प्रभाव दिखाता है, रेसेसिव मतलब जिसका प्रभाव छुप जाता है उसको रेसेसिव बोला जाता है, एक होता है डोमिनेंट एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, जो अपना प्रभाव दिखाता है, और जो रेसेसिव क्या होता है, जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। ठीक है, तो जो अपने आप को शो नहीं कर पाता है। मेंडल ने कितने करेक्टर पे रिसर्च की थी मटर के पौधे पर, मेंडल करेक्टर्स ऑन पी प्लांट, कितने करेक्टर, सेवन करेक्टर। ठीक है, उनको देखेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ पे करेक्टर देखेंगे, यहाँ पे लिख दे डोमिनेंट, कौन सा डोमिनेंट है, यहाँ लिखते डोमिनेंट, डोमिनेंट करेक्टर, और यहाँ लिखते रेसेसिव, रेसेसिव जो अपने आपको शो नहीं कर पाता वो रेसेसिव होता है, जो अपने आपको प्रदर्शन कर रहा होता है वो डोमिनेंट होता है। तो सबसे पहला जो करेक्टर था वो था कोटलीडन का कलर, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा था, येलो, येलो कलर इसमें डोमिनेंट था, और ग्रीन कलर रेसेसिव था, ग्रीन कलर रेसेसिव था। कोटलीडन का कलर में आपको क्या लिखना है, मेंडल ने सात करेक्टर पे, पी के सात करेक्टर पे रिसर्च किया, कौन कौन से ये करेक्टर याद रखना है, इसमें से डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है। कोटलीडन का कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। दूसरा करेक्टर मेंडल दिया सीड कोट का कलर, सीड कोट का कलर ग्रे जो है डोमिनेंट था, व्हाइट रेसेसिव था, ग्रे डोमिनेंट था, व्हाइट रेसेसिव था। तीसरा है पॉड शेप, पॉड का शेप का करेक्टर लिया। अब इस पॉड शेप में से कौन सा डोमिनेंट था, इन्फ्लेटेड जो डोमिनेंट था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव था, कॉन्स्ट्रिक्टेड याद रखना, तो पॉड शेप में इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंस था, रेसेसिव था, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्लांट की हाइट, चौथा करेक्टर मेंडल ने क्या लिया, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट में जो टोल लंबा था वो डोमिनेंट था और ड्वार्फ रेसेसिव था, ड्वार्फ रेसेसिव था। ठीक है, प्लांट हाइट। पांचवा उसने लिया फ्लोर पोजीशन, फ्लोर की पोजीशन फ्लोर पोजीशन में एक्जिल था ये डोमिनेंट था, और टर्मिनल जो था रेसेसिव था, टर्मिनल रेसेसिव था, एक्जिल जो है डोमिनेंट था। छठवां कैरेक्टर मेंडल ने कौन सा लिया, पोड का कलर कौन सा है, ग्रीन, याद रखना ग्रीन, पोड का कलर डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव, कंफ्यूज नहीं होना, येलो रेसेसिव ग्रीन डोमिनेंट पोड कलर में। और सीड का शेप,
सातवां जो करेक्टर था वो था सीड सेप, सीड का सेप, सीड सेप, सीड सेप में राउंड जो है वो डोमिनेट था और विंकल जिसको झुर्रीदार बोलते हैं विंकल ये रेसिड्यू था। तो मैंने सात कलर लिए, कोटिलेडन का कलर, सीड कोट का कलर, पॉड का सेप, प्लांट की हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, सीड सेप, ये आपको याद रखना है। इनमें से डोमिनेंट कौन से, रेसिड्यू कौन से, ये आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मेंडल के कितने लॉ थे, मेंडल के आपने कितने लॉ पढ़े, मेंडल के दो लॉ है, लेकिन बहुत सारे बुकों में क्या लिखा रहता है मेंडल ने तीन नियम दिए, नहीं मेंडल के सिर्फ दो लॉ है। कौन कौन से लॉ है, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, और लॉ दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दो ही लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का कोई नियम नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था डोमिनेंस का, कंसेप्ट दिया था डोमिनेंस का, कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट था मेंडल का डोमिनेंस का, कि अगर ना अपन ने यहां पर टॉल प्लांट लिए, टॉल प्लांट को टीटी से दर्शाते थे, और ये ड्वार्फ प्लांट लिए, यहां पे ड्वार्फ प्लांट लिए, ड्वार्फ, अब इनका क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो प्रथम पीढ़ी एफ वन में टॉल प्लांट ही लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे, लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे एफ वन पीढ़ी में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो टॉल जो डोमिनेंस था वही अपने आप को शो कर रहा है, जो रेसेसिव था द्वार वो अपने आप को शो नहीं कर रहा है, तो जो डोमिनेंट होता है प्रथम पीढ़ी में वही शो करता है। तो एक डोमिनेंस का कंसेप्ट था, ये मेंडल का नियम नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए मेंडल ने कितने नियम दिए, तो मेंडल ने दो ही नियम दिए, कौन कौन से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी बोला जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दो ही नियम मेंडल ने दिए। तीसरा उनका सिर्फ कंसेप्ट था डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको बहुत सारी बुकों में लिखा जाता है, ये उनका कोई नियम नहीं है, बस कंसेप्ट था। डोमिनेंस का क्या है, टॉल और ड्रॉप प्लांट लिए, जो डोमिनेंस होगा टॉल वाला यहाँ डोमिनेंस था, तो उसी को सब एफ वन पीढ़ी में केवल टॉल पौधे ही लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे, यही उनका कंसेप्ट था डोमिनेंस का। अब देखते हैं मेंडल के लॉ के बारे में, आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आप उन्हें मेंडल के लॉ के बारे में देखेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लेना आप लोग, या फिर स्क्रीन शॉट लेके रख लेना, ये आपको नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे मेंडल के लॉ के बारे में, मेंडल के लॉ के बारे में मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कर लेना। आप देखेंगे मेंडल के लॉ के बारे में, क्या देखना है मेंडल के लॉ के बारे में देखना है, दो ही नियम दिए, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अपन पहले देखने वाले हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ, मेंडेलियन लॉज, मेंडेलियन लॉ, पहला लॉ है लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। हिंदी में बोलते हैं सेग्रीगेशन को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसको बोलते हैं शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम, ये आपको याद रखना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पृथक्करण का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को शुद्धता का नियम बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। आप किस किस कंडीशन में ये लागू होते हैं, तो कंडीशन कौन सी, पहली तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये नियम लागू होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये नियम लागू होते हैं, कौन सी कंडीशन में लागू होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन है मोनोहाइब्रिड कंडीशन में, मोनोहाइब्रिड कंडीशन में, दूसरी कंडीशन कौन सी, मोनोहाइब्रिड कंडीशन में। पहली कंडीशन है हेटेरोजाइगस कंडीशन, दूसरी है मोनोहाइब्रिड कंडीशन, तीसरी है ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल लॉ है।
जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हर जगह लागू नहीं होता है, लिंकेज में वो लागू नहीं होता है। तो क्या होता है, क्या होता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में देखते हैं। मेंडल ने यहां पे दो प्लांट लिए, एक तो टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और ये लिया ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट इनका क्या किया, क्रॉसिंग किया। तो एपन पीढ़ी में मेंडल कौन से प्राप्त हुए, लंबे पौधे। एपन पीढ़ी में टॉल पौधे मेंडल को प्राप्त हुए, लंबे पौधे ही मेंडल को प्राप्त हुए, ठीक है। जो एपन, यह इसमें क्या होता है, जो एपन पीढ़ी है उनके सेल्फिंग कराने पर, अब इनके खुद की सेल्फिंग करा दी, एपन पीढ़ी की सेल्फिंग कराने पर, इस सेल्फिंग करा दी, तो अपन को क्या प्राप्त होंगे, सेल्फिंग कराने पर चार इसमें प्राप्त होंगे, कौन कौन से, स्टीका, स्टी के साथ कराया, कैपिटल टी हो गया, स्टीका स्टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्टीका स्टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और एक स्टीका स्टी के साथ कराया तो स्मॉल टी हो गया। ये प्राप्त होते हैं, ये अपन को यहाँ पे प्राप्त होते हैं इनकी क्रॉसिंग करने पर, ये प्राप्त होते हैं। मैं आपको चेकर बोर्ड से भी बता देता हूँ, चेकर बोर्ड से बता देता हूँ, चेकर बोर्ड मेथड है उससे भी बता देता हूँ। ए टी और ई टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी, इसका इसके साथ कराएंगे तो डबल टी कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी, ये अपन को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो अपन को बाहर से दिखता है, और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है। तो फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो अपन को बाहर से कितने इसमें टॉल प्लांट दिखते हैं, ए भी टॉल है, ए भी टॉल है, ए भी टॉल है, तो देखने से कितना मालूम हो रहा है, तीन टॉल और एक बोना, एक डॉट लंबे और बोने, तीन अनुपात हो गए। अब जीनोटाइप में देख लो केवल एक ये है, ये प्योर टॉल है, प्योर शुद्ध लंबा है एक, ठीक है। अब ये और ये सेम है तो ये क्या है, शुद्ध नहीं है तो ये दो, और ये प्योर बोना है तो वन टू वन। ये रेशियो याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में कौन से रेशियो, फिनोटाइप रेशियो 3:1 है, जीनोटाइप रेशियो 1:1 है, ठीक है, 1:2:1 है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या चीज है, मेन चीज एक चीज और है कि इसमें जो F1 पीढ़ी होती है, जो F1 पीढ़ी होती है वो एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं, डू नॉट कंटामिनेशन। F1 पीढ़ी के प्लांट एक दूसरे को कंटामिनेशन नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं, कंटामिनेशन नहीं करते हैं मतलब मिक्स नहीं होते हैं, प्योर या ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, प्योर ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, एक दूसरे को कंटामिनेशन नहीं करते हैं, मिक्स नहीं होते, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं, इसी कारण से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी कहा गया है, इसी कारण से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी कहा गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वहां भी आप पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अपन ने पढ़ लिया है, आगे अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप तब तक इसको नोट डाउन की लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं, आपको जो सही लगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कर लेना और साथ साथ पढ़ते जाना। अगला अपन देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अफ्यून की स्वतंत्रता का नियम, अफ्यून की स्वतंत्रता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा लॉ डालते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के दो ही नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का कोई नियम नहीं था, बस एक कंसेप्ट था। आपसे पूछा है मेंडल ने कितने नियम दिए, तो दो, बहुत सारी बुकों में लिखा है, लेकिन आपको दो ही आंसर लगाना है, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन है,
पहले तो वही हेटेरोजाइगस कंडीशन में लागू होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में लागू होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में लागू होता है। दूसरी क्या है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है, और मोनोहाइब्रिड में होता है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये इसकी कंडीशन होगी, डाईहाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है। एक तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है। तो इसमें क्या किया मेंडल ने, दो टाइप के प्लांट लिए, दो करेक्टर को लिया, एक तो लंबा और बोना, दूसरा राउंड और विंकल सीड को, दो करेक्टर को लिए मटर के पौधे में, टी और टी, ये तो हो गए टॉल, ये तो हो गए एक करेक्टर लंबाई का, दूसरा करेक्टर इनने लिया आर आर, ये हो गए राउंड गोल बीज का, दो करेक्टर लिया। ऐसे इधर दो करेक्टर लिए, एक तो लिया बुनापन डॉर को, दूसरा लिया ब्रिंकल सीड को आर आर स्मॉल आर ब्रिंकल, ये इन्होंने लिया। अब इनका क्या कराया, क्रॉस करवाया, इनका जो क्रॉस कराया तो उनको एफ वन सीढ़ी में क्या क्या प्राप्त हुआ, इस टी का इस टी के साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद में इस आर का इस आर के साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया, एक तो ये प्राप्त हो गया, ठीक है। एफ वन पीढ़ी में इनको ये प्लांट प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए, तो इनको क्या बोलेंगे, टॉल प्लांट, टॉल और राउंड, लंबे और गोल पौधे इनको एफ वन पीढ़ी में प्राप्त हुए। अब इनकी इन्होंने वापस सेपिंग करा दी, किस किस की, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी सेपिंग करा दी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की। अब इन्होंने जो क्रॉसिंग करा दी, तो अब इसको इनकी सेल्फिंग करा दी, तो इसके चेकर बोर्ड के द्वारा एक रेशो निकलता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे चेकर बोर्ड नहीं पूछा जाएगा, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकालने के लिए मैं आपको टेबल बना देता हूं, आप इस टाइप से निकाल सकते हो, इस टाइप से चेकर बोर्ड बना लेना, इस टाइप से आप लोग चेकर बोर्ड बना लेना, इसमें टी आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी, इस टाइप से चेकरबोर्ड बना लेना, यहां भी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी, इस टाइप से चेकरबोर्ड से ये इनका रेशियो निकल जाएगा। आपसे सिर्फ रेशियो पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कौन सा है, इससे कितनी प्रोजेनी प्राप्त होती है ये भी याद रखना, टोटल प्रोजेनी कितनी प्राप्त होती, 16 प्रोजेनी प्राप्त होती, 16 प्रोजेनी इस नियम में प्राप्त होती है। तो आपसे रेशियो पूछा जाएगा, तो इसका फिनोटाइप डायरेक्ट रेशियो याद रखना है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो, जो देखने से अपन को पता चलता है 9:3:3:1, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप जो इसको रेशियो इंपॉर्टेंट है याद रखना, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1, कैसे याद रखोगे, 12 कितने, एक गिनो, 3, 4, 2, 6, 10, 12, 13, 15, 16, टोटल 16 प्रोजेनी होगी। कैसे याद रखोगे, नीचे वाले को, ऊपर वाला तो आपको याद रह जाएगा 9:3:3:1, नीचे वाला 12, 12, 42, 121, 12, 12, 42, 121, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, 12, 12, 42, 121, ये आपको याद रखना है। ये अपना मेंडल का दूसरा लॉ हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को रोक लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, आप इसको वीडियो रोक लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड हो गया हूं। अगर चेकर बोर्ड बनाना चाहे तो आप चेकर बोर्ड बनाकर भी इसको निकाल सकते हो, लेकिन निकालने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम पास में, ठीक है, आपको ये बस याद रखना है। अब मैं ये बिठा रहा हूँ, आप लोगों को नोट डाउन कर लिया, वो नहीं किया तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी देखेंगे, क्लासिकल जेनेटिक्स देखेंगे। ये तो मेंडल के नियम हो गए, लेकिन मेंडल के नियम को उस समय मान्यता नहीं मिली, उसके बाद में इनकी रीडिस्कवरी हुई, इसकी पुनर्खोज हुई, रीडिस्कवरी वो किसने की, तीन वैज्ञानिक थे, रीडिस्कवरी किसने की, तीन वैज्ञानिक थे, रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल्स लॉ, मेंडल की लॉ की रीडिस्कवरी किस किसने की, पहला वैज्ञानिक था फॉल्स कोरेंस,
कौन पहला वैज्ञानिक कौन सा? कार्ल्स कोरेंस। ये कहां के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कार्ल्स कोरेंस कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पे अध्ययन किया? जीनिया और मेज पे। कौन से प्लांट पे? जीनिया और मेज पे। ये भी याद रखना, कार्ल्स कोरेंस ने किस पे अध्ययन किया? जीनिया और मेज पे। दूसरा वैज्ञानिक था ह्यूगो डी व्रीज। ये कहां के वैज्ञानिक थे? ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक। इसने किस पे अध्ययन किया? इसने ओइंथ्रा प्लांट पे अध्ययन किया। ओइंथ्रा के प्लांट पर इन्होंने अध्ययन किया। तीसरा जो वैज्ञानिक था वो था सेमार्क। टी साइलेंट है। तीसरा जो वैज्ञानिक है वो है सेमार्क। इन्होंने मेंडल का नियम को रिडिस्कवर किया। किस किस ने? कार्ल्स कोरेंस ने, ह्यूगो डी व्रीज ने और सेमार्क ने। सेमार्क कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने किस पे अध्ययन किया? इन्होंने अध्ययन किया फ्लोरिंग प्लांट पे। इन्होंने अध्ययन किया किसका अध्ययन किया? फ्लोरिंग प्लांट पे। तो इन तीनों ने इनका मेंडल लॉ का रीडिस्कवर किया। अब इनमें से इनने रीडिस्कवर किया तो इनमें से दो ये जो साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी व्रीज और सेमार्क, इनने सोचा कि मेंडल तो मर चुका है, इसको दुनिया को बताने, दुनिया को किसी को पता ही नहीं था कि मेंडल ने इतनी चीजें खोजी, तो इनको दुनिया को बताने की क्या जरूरत है, क्यों ना इस रिसर्च को हम अपने नाम से पब्लिश करें। इनके मन में बेईमानी आ गई, दोनों साइंटिस्ट के मन में बेईमानी आ गई। लेकिन जो कॉल्स कोरेंस साहब थे उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने बोला ये मेंडल की रिसर्च है, वो जीनियस थे और उन्हीं के नाम से पब्लिश होगी। तो कॉल्स कोरेंस साहब ने मेंडल की जो रिसर्च थी उसको पब्लिश करवाया, इसीलिए आज अपन पढ़ते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को। अगर उस दिन यह नहीं होता, कॉल्स कोरेंस साहब नहीं होते, तो आज अपन फादर ऑफ जेनेटिक्स कोई और ही पढ़ते, ठीक है। इसीलिए आज आप मेंडल को नियम को पढ़ते हैं और उनको जेनेटिक्स आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। ये सिर्फ इन्हीं की वजह से हुआ है, ठीक है, कॉल्स कोरेंस साहब की वजह से। तो ये अपन ने क्या कर लिया, डिस्कवरी पढ़ ली मेंडल के लोगों की। अब अपन क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट है उनको देखेंगे। जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, गैमेट क्या होते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीन। जीन क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट और सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। स्मॉलेस्ट और फंक्शनल पार्ट होता है जेनेटिक मटेरियल का। जीन क्या होते हैं? एक सबसे छोटा और क्रियाशील पार्ट होता है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। तो लिख देते हैं जीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उनको जीन बोला जाता है। जेनेटिक मटेरियल का फंक्शनल और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको जीन बोला जाता है, ठीक है। अब एलील क्या होते हैं? एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, उनको एलील बोला जाता है। एलील क्या होते हैं? किसी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उसको एलील बोला जाता है। जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म कॉल्ड एलील। किसी जीन के दो अल्टरनेटिव रूप होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब रूप या प्रकार। किसी जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है एलील। इस जीन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की स्मॉलेस्ट और फंक्शनल पार्ट होता है, सबसे छोटा और फंक्शनल पार्ट होता है उसको जीन बोला जाता है। किसी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उनको एलील बोला जाता है। मल्टीपल एलील क्या होते हैं? जब एक जिंगल सिंगल जीन के बहुत सारे एलील हो तो उसको मल्टीपल एलील बोला जाता है। द मेनी एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन। किसी सिंगल जीन के जब बहुत सारे एलील होता है तो उसको मल्टीपल एलील बोला जाता है, ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए।
फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपन आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल एलील के कुछ एग्जांपल लिखेंगे, जो मल्टीपल एलील है उनके कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पे देखेंगे। मल्टीपल एलील के कुछ एग्जांपल देखेंगे एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील के क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। कौन सा एग्जांपल है? एक तो हो गया फर का कलर, फर कलर ऑफ रेबिट, रेबिट की फर का कलर एग्जांपल आपको याद रखना है। दूसरा एग्जांपल के अनुसार विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला दूसरा एग्जांपल क्या होगा, विंग टाइप ऑफ ड्रोसोफिला। तीसरा है आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तीसरा है ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है। ये मल्टीपल एलिज्म या फिर मल्टीपल एल के एग्जांपल है, ये मल्टीपल एलिज्म के एग्जांपल है, ठीक है। कौन कौन से? फर कलर इन रैबिट्स, विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ये आपको याद रखना है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। वीडियो को रोकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन के बारे में। जीन इंटरेक्शन के रेशियो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जीन इंटरेक्शन के रेशियो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अपन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ेंगे, विद ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आपको याद भी रह जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जीन इंटरेक्शन के रेशियो, कई बार पूछे गए हैं एनएससी के एग्जाम में, पूछा गया है कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जीन इंटरेक्शन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगा लो जीन इंटरेक्शन, क्या हेडिंग है? जीन इंटरेक्शन को अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें अपन छह प्रकार के रेशियो देखेंगे। सब पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसको बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस, क्या बोला जाता है? रेसेसिव एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। अब अपन को क्या याद रखना है, आपको एक रेशियो याद रखना है, क्या कौन सा रेशियो याद रखना है? ये रेशियो आपको हमेशा याद रखना है, 9:3:3:1, ये रेशियो आपको याद रखना है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, दो लोग हैं, एक है डोमिनेंट एक है रेसेसिव, एक होता है डोमिनेंट एक होता है रेसेसिव। अब मान लो आप कहीं किसी से लड़ने जा रहे हो, तो जो डोमिनेंट होगा वो कहाँ से जाएगा? आगे से जाएगा, और जो रेसेसिव होगा वो बेचारा छुपके से वार करेगा, क्योंकि वो सामने से जा नहीं सकता, और जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी होगा, वो सामने से जाएगा। तो डोमिनेंट कहां से जाएगा? सामने से, और रेसेसिव कहां से जाएगा? पीछे से। ये आपको याद रखना है, रेसेसिव हमेशा पीछे जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो डोमिनेंट कहां से जाएगा? सामने से। तो इसमें जो रेसेसिव होता है इसका नाम क्या है? रेसेसिव। इसका नाम क्या है? रेसेसिव। तो इसका जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, इसका दूसरा नाम क्या है? रेसेसिव एपिस्टेटिक। तो इसका जो रेशियो होगा ये यही होगा, 9:3:3:1, ये आपको याद रखना है, 9:3:3:1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री
जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस ये दूसरा नाम भी आपको याद रखना, इससे आपको रेशियो याद हो जाए। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को बोलते हैं रेसेसिव स्टेटिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को बोलते हैं डुप्लीकेट रेसेसिव स्टेटिस, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। अब रेसेसिव है और डुप्लीकेट है, तो अब रेसेसिव है, जो रेसेसिव होगा कहां से आएगा, पीछे से आएगा, तो यहां से आएगा, पीछे से आया, इसे मिला तीन को चार, एक मिला तो चार हो गए, फिर ये पीछे से आया तो यहां मिल गया। ये रेसेसिव कहां से आता है, हमेशा पीछे से, डोमिनेंट होगा तो आगे से, तो रेसेसिव डुप्लीकेट रेसेसिव है, तो एक बार ये हो गया, तो एक बार हो गया डुप्लीकेट, दो बार मिल गया, तो इसको पीछे से दो बार मिला देना है, एक बार दो बार, तो कितना रेशियो बन जाएगा, 9:7, ये आपको याद रखना है, 9:7, इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 9:7, ये आपको याद रखना है, 9:7 इसका 7 बन जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो पीछे से आता है, दो बार मिला दे, एक बार मिलाया चार हो गया, एक बार मिलाया सात हो गया, 9:7 इसका रेशियो बन गया, ठीक है। तीसरा है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, इसको दूसरा नाम क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट स्पीच स्टेटिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट, डुप्लीकेट डोमिनेंट ईपी स्टेटिस, ईपी स्टेटिस, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट डोमिनेंट है, अब डोमिनेंट कहां से जाएगा, आगे से, और डुप्लीकेट दो बार जाएगा, ठीक है, तो एक बार गया तो 9 3 12, एक बार और गया दो बार गया तो 15, तो 15 रेशियो 1, ये आपको याद रखना है, ये एक सिर्फ बेसिक सा कंसेप्ट ट्रिक है आपको याद रखने की, ठीक है। अब यहां पे क्या रेसेसिव था, पहले रेसेसिव था तो ये रेशियो बन गया, फिर डुप्लीकेट रेसेसिव था तो एक बार इसमें आके मिला, फिर ये रेसेसिव इसमें मिला, तो 9:7 बन गया। अब यहां डोमिनेंट हो गया, तो डोमिनेंट सामने से आता है, और डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट डोमिनेंट है, तो एक बार गया तो 12, दूसरी बार गया डुप्लीकेट गया तो 15:1 इसका रेशियो है, ठीक है। चौथा है मार्किंग जीन एक्शन, मार्किंग जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन, मार्किंग जीन इंटरेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसको बोला जाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब ये तो डुप्लीकेट डोमिनेंट था इसलिए दो बार मिल गया, डुप्लीकेट डोमिनेंट था इसलिए दो बार मिल गया, अभी क्या डोमिनेंट है केवल, तो एक बार मिलेगा, तो क्या हो गया, 9:3 12, 12:3:1, 12:3:1, 12:3:1, 12:3:1, ये आ गया मार्किंग जीन इंटरेक्शन का रेशियो। आपको बस नीचे वाला नाम ध्यान रखने हैं, रेसेसिव है तो सेम अनुपात बन गया, डुप्लीकेट रेसेसिव है तो रेसेसिव पीछे से आता है, तो पीछे से दो बार आया, एक बार आया दो बार आया, तो कितना बनेगा, 9:7, ठीक है। डुप्लीकेट डोमिनेंट है, डोमिनेंट सामने से आता है और दो बार डुप्लीकेट है, तो 12:3:15 रेशियो बन गया। और मार्किंग जीन इंटरेक्शन को बोलते हैं डोमिनेंट, तो डोमिनेंट है तो एक ही बार डोमिनेंट है, 9:3:12, 12:3:1, ये बन गया, ये आपको याद रखना है। पांचवा इनहिबिटरी जीन एक्शन, पांचवा इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, इसको बोला जाता है डोमिनेंस रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसको क्या बोला जाता है, इसको इसमें डोमिनेंस भी है और रेसेसिव भी है, डोमिनेंस रेसेसिव, डोमिनेंस रेसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंस रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसको बोला जाता है। अब इसमें डोमिनेंस भी है रेसेसिव है, तो कैसे निकालेंगे इसका रेशियो, कैसे निकालेंगे इसका रेशियो, इसका रेशियो निकलेगा ये जो है 9:3:1, अब इसमें डोमिनेंस भी है और रेसेसिव भी है, डोमिनेंस भी है तो रेसेसिव भी है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि
इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो 13:3। तो इसमें एक डोमिनेंट है तो इसमें मिल गया, डोमिनेंट है तो इसमें मिल गया कितने 12, और ये रेसेसिव भी है तो इसमें मिल गया, बीच वाला छोड़ दिया इसमें, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इसमें मिल गया डोमिनेंस है और रेसेसिव वाला इसमें मिल गया, तो कितने हो गया 13:3 इसका रेशियो बन गया। ठीक है, एक और है एडिटिव जीन इंटरेक्शन, एडिटिव जीन इंटरेक्शन छठवा है एडिटिव जीन इंटरेक्शन, एडिटिव जीन इंटरेक्शन। इसको कैसे याद रखोगे, इसको कैसे याद रखोगे? अब इसमें एडिटिव है, एडिटिव मतलब एड होना है, तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको कुछ नहीं करना, दोनों बीच वालों को ऐड कर देना, दोनों बीच वालों को ऐड करना है, एड होना है, दोनों बीच वालों को ऐड कर देंगे तो इसका रेशियो बन जाएगा 9:6:1, 9:6:1, 9:6:1। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना, आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा और टेक भी अच्छी लगी होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, अपन आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना, फिर अपन म्यूटेशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप लोग वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं लिंक इसके म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन के बाद में पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में, इसी के साथ अपना जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर अपन प्लांट ब्रीडिंग की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होती है? किसी भी इंडिविजुअल के कोई भी करेक्टर में हेरिटेबल चेंज होता है सडनली, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर है उसमें सडनली हेरिटेबल चेंज हो जाता है, अनुवांशिक चेंज होता है अचानक से, उसी को बोला जाता है म्यूटेशन, उसी को बोला जाता है म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी करेक्टर में अचानक से चेंज हो जाना ही म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या? परिवर्तन, म्यूटेशन, यहां हेडिंग लगा लेते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन या परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सडनली हेरिटेबल चेंज, किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी करेक्टर में सडनली एकदम से अनुवांशिक चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाते हैं अनुवांशिक की, उसी को बोला जाता है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, म्यूटेशन, म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज, सडन मतलब अचानक से, हेरिटेबल मतलब अनुवांशिक, सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज इन द करेक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको बताया आर कॉल्ड म्यूटेशन, उसको म्यूटेशन बोला जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव में सडनली हेरिटेबल जो चेंज होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव में सडनली अचानक से परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। सडन हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी करेक्टर में सडनली अचानक से बदलाव आ जाना, परिवर्तन हो जाना ही म्यूटेशन कहलाता है। और जिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ये चेंज होता है उसको क्या बोलाता है? उसको बोला जाता है म्यूटेंट्स। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में ये सडनली हेरिटेबल चेंज हो रहा है, तो सडनली हेरिटेबल चेंज उस कैरेक्टर में चेंज होते हैं तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, और जिस इंडिविजुअल में ये चेंज हो रहा है उसको म्यूटेंट बोला जाता है, उसको बोला जाता है म्यूटेंट्स, म्यूटेंट्स। द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल में द इंडिविजुअल शोइंग, जो इंडिविजुअल शो करता है शोइंग दीज हेरिटेबल चेंज, दीज हेरिटेबल, हेरिटेबल चेंज आर कॉल्ड म्यूटेंट्स, म्यूटेंट्स। क्या है? दोनों चीजों को समझ लो, म्यूटेंट्स क्या है और म्यूटेशन क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी करेक्टर में सडनली चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। सडनली हेरिटेबल चेंज इन द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी की ऑर्गेनिज्म के करेक्टर में चेंज होना, और जिस इंडिविजुअल के अंतर्गत ये, जिस इंडिविजुअल के अंतर्गत ये चेंज शो होते हैं उसको बोलते हैं म्यूटेंट्स।
इंडिविजुअल सोइंग दीज हेरिटेबल चेंज आर कॉल्ड म्यूटेंट्स। जिस इंडिविजुअल के या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये चेंज सो होते हैं उसी को बोला जाता है म्यूटेंट्स, उसको म्यूटेंट बोला जाता है। और म्यूटेजेंस एक होता है म्यूटेजेंस, ये क्या होते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन होता है या म्यूटेशन को जो इंक्रीज करता है उनको बोला जाता है म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस बोला जाता है जो म्यूटेशन को इंक्रीज करते हैं या उसको बढ़ाते हैं या जिसके कारण म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं म्यूटेजेंस। ये होते हैं, ये केमिकल और फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल एंड फिजिकल दोनों टाइप के होते हैं। इंक्रीज द म्यूटेशन, जो म्यूटेशन को इंक्रीज करते हैं उनको म्यूटेजेंस बोला जाता है। एक केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप के होते हैं। तो अपन म्यूटेजेंस के एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के कौन कौन से एग्जांपल देखेंगे। यहां पे म्यूटाजेंस लिखा जाएगा और यहां पे उनकी क्लास लिखी जाएगी, ठीक है, क्लास लिखी जाएगी, ठीक है। पहले पढ़ेंगे अपन फिजिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है आयनिंग रेडिएशन, आयनिंग रेडिएशंस कौन कौन सी होती है, अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज सही से बना है लेकिन आप लिख लेना गामा रेज, और एक है एक्स रेज। ये हो गया आयनिंग एजेंट्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं, म्यूटाजेंस, जिसके कारण म्यूटेशन होती है। तो उसमें फिजिकल म्यूटाजन में पढ़ रहे हैं आयनिंग रेडिएशन में, अल्फा बीटा गामा और एक्स रेज, ये आयनिंग रेडिएशन है, आयनिंग टाइप के म्यूटाजेंस है। एक नॉन आयनिंग कौन होता है, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज। अब पढ़ेंगे अपन केमिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस के अंतर्गत आते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट, पहला है अल्कलाइटिंग एजेंट में कौन कौन से आते हैं, मस्टर्ड गैस होगी, ये याद रखना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कौन कौन से केमिकल है और कौन कौन से म्यूटाजन है, पूछ ले जाएंगे इनमें से कौन सा म्यूटाजन है, कोई ऑप्शन देगा, या फिर पूछ लेंगे इनमें से कौन सा केमिकल म्यूटाजन है, या फिर पूछ लेंगे कौन सा फिजिकल म्यूटाजन है, कौन सा आयनिक रेडिएशन का म्यूटाजेंस है, कौन सा केमिकल म्यूटाजन, कौन सा अल्कलाइटिंग एजेंट है। तो मस्टर्ड गैस हो गया ईएमएस हो गया, एमएमएस हो गया, मोबाइल वाला एमएमएस नहीं है, और ईईएस, ये आपको याद रखना है, क्या क्या अल्कलाइटिंग एजेंट है, मस्टर्ड गैस, ईएमएस, एमएमएस, ईईएस, ये आपको याद रखना है। बेस एनालॉगस में होता है फाइव ब्रोमोसिल, ये आपको याद रखना है, बेस एनालॉगस में फाइव ब्रोमोसिल, ठीक है। एक होता है एक्रिडिन डाई, यही लिख देता हूं नीचे, एक्रिडिन डाई एक्रिडिन डाई में कौन कौन से होते हैं, एक्रीफ्लेविन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है डीएमिनेशन एजेंट, यहां लिख देता हूं आपको, इधर नीचे नोट डाउन कर लेना, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, डीएमिनेशन एजेंट ये होता है इथियम ब्रोमाइड। डीएमिनेशन एजेंट का क्या नाम है, इथियम ब्रोमाइड। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका म्यूटाजेंस है, इनको याद रखना है, कौन से फिजिकल है, कौन से केमिकल है, ये आपको याद रखना है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन थोड़ा सा और बचा है लिंकेज के बारे में, 2-4 मिनट में कंप्लीट करके अपन जेनेटिक्स को कंप्लीट कर देंगे। अब थोड़ा सा लिंकेज के बारे में पढ़ना है, आपको नीचे का दिख नहीं रहा, दिख जाएगा अभी। एक्रिडिन डाई में एक्रीफ्लेविन है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, एक्रिडिन डाई में एक्रीफ्लेविन है, ठीक है, आप लोगों को विजिबल है।
ठीक है। लास्ट वाला है डिमिनेशन एजेंट इथियम ब्रोमाइड, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना या फिर वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लेना। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं लिंकेज के बारे में, उसी के साथ में अपना जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। लिंकेज को पढ़ते हैं, लिंकेज कुछ नहीं छोटा सा है। लिंकेज क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जीन एक साथ रुके होते हैं किस पे, सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे दो या दो से अधिक जीन एक साथ रुके होते हैं उसको बोलते हैं लिंकेज। सहलग्नता, हिंदी में बोला जाता है सहलग्नता, लिंकेज। लिंकेज लिंकेज क्या होती है, टू और मोर जीन, यहां लिख देता हूं टू और मोर, दो या दो से अधिक जीन स्टे टुगेदर इन सेम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या मतलब है, दो या दो से अधिक जीन, टू और मोर जीन, जीन दो या दो से अधिक जीन एक साथ रुके होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे, उसी को बोला जाता है लिंकेज। दो या दो से अधिक जीन एक साथ रुके होते हैं, एक साथ रहते हैं किस पे, एक ही क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे दो या दो से अधिक जीन एक साथ रहते हैं, उसी को लिंकेज बोला जाता है। ठीक है, लिंकेज की दो फेज है, एक तो कपलिंग फेज, एक रिपल्सन फेज, फेज ऑफ लिंकेज। लिंकेज की दो फेज है, कौन कौन सी, पहली है कपलिंग, कपलिंग फेज, पहली है कपलिंग फेज। कपलिंग फेज क्या होती है, कपलिंग फेज क्या होती है, लिंकेज बिटवीन टू और मोर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, या तो डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव एलील होंगे, या तो डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव एलील होंगे, उनके बीच में अगर लिंकेज है तो वो कपलिंग फेज है, उसको कपलिंग फेज बोला जाता है। लिख देता हूं लिंकेज बिटवीन टू और मोर, दो या दो से अधिक, लिंकेज बिटवीन दो या दो से अधिक आइदर डोमिनेंट, आइदर और का प्रयोग हो रहा है, आइदर डोमिनेंट, या तो डोमिनेंट होंगे, आइदर डोमिनेंट होंगे, या तो डोमिनेंट होंगे और आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, रेसेसिव, या तो डोमिनेंट होंगे या फिर रेसेसिव होंगे। ठीक है, एलील इज रेफर्ड कपलिंग, इज रेफर्ड टू, उसी को बोला जाता है कपलिंग, कपलिंग फेज। क्या मतलब हुआ, लिंकेज क्या होती है, दो या दो से अधिक जीन एक साथ एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं उसको लिंकेज बोला जाता है। दो फेज है कपलिंग फेज, कपलिंग फेज क्या होती है, लिंकेज होती है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक या तो डोमिनेंट होंगे या फिर रिसेसिव एलील होंगे, उनके बीच में अगर लिंकेज है या तो डोमिनेंट क्या होगा, या तो डोमिनेंट होंगे ए बी या फिर रिसेसिव होंगे, उनके बीच में लिंकेज है तो उसको बोलता है कपलिंग फेज। दूसरी फेज है रिपल्सन फेज, सेकंड फेज है रिपल्सन, सेकंड फेज कौन सी है, रिपल्सन फेज, रिपल्सन इसका उल्टा होती है। रिपल्सन में क्या होता है, लिंकेज बिटवीन, लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट एलील विथ, उसमें आइदर वो लगा था या तो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव, इसमें क्या है डोमिनेंट वी, डोमिनेंट विथ रेसेसिव एलील, डोमिनेंट के साथ में रेसेसिव एलील, डोमिनेंट विथ रेसेसिव एलील कौन कौन से, ए बी और ए बी और ए और बी, इस टाइप से उसको बोला जाता है रिपल्सन फेज, उसको बोला जाता है रिपल्सन। कपलिंग में क्या है, या तो डोमिनेंट होंगे या रेसेसिव होंगे, रिपल्सन में क्या है डोमिनेंट के साथ में रेसेसिव के साथ में, ये डोमिनेंट है इरेसेसिव, ये डोमिनेंट है इरेसेसिव, तो ये रिपल्सन फेज होगी। ठीक है, इसको डिटेक्शन, लिंकेज को डिटेक्ट करने की मेथड कौन सी है, डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, लिंकेज को डिटेक्शन किस मेथड से किया जाता है, तो उस मेथड का नाम है, उस मेथड का नाम क्या, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस मेथड, टेस्ट क्रॉस मेथड के जरिए इसको डिटेक्ट किया जाता है। टेस्ट क्रॉस मेथड इसकी डिटेक्ट करने की सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा आपने, लिंकेज, लिंकेज क्या अलग होती है, सहलग्नता, सहलग्नता क्या होती है, दो या दो से अधिक जीन एक साथ एक ही क्रोमोसोम पे रुके हो या ठहरे हो उसी को बोला जाता है लिंकेज।
टू और मोर जीन आर स्टेट टुगेदर इन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। दो फेज होती है कपलिंग फेज। कपलिंग फेज में क्या होते हैं, लिंकेज किसके बीच में होती है, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, या तो डोमिनेंट होंगे या फिर रिसेसिव वाले उनके साथ लिंकेज होगी, उसको बोलते हैं कपलिंग फेज। रिपल्सन फेज में क्या होते हैं, डोमिनेंट के साथ में रिसेसिव दोनों के साथ में लिंकेज होगी, डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा, जैसे डोमिनेंट विथ रिसेसिव, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट है, तो इनके बीच में जो लिंकेज होगी उसको रिपल्सन बोला जाता है। इसको लिंकेज को डिटेक्शन करने की कौन सी मेथड है, टेस्ट क्रॉस मेथड। यह आज अपना जेनेटिक्स खत्म हो गया, जेनेटिक्स को अपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और पढ़ लेना। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसको पढ़ लेना, साथ साथ में पढ़ते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।